47 बंटवारा दो मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे। जो नमक हिंदुस्तान का खाता हूँ लेकिन जीत पाकिस्तान की चाहता हूँ। हमें ऊपर से हुक्म है कि तुझे पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा, तुझे वीजा नहीं मिलेगा। इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। मुझे मेरे बच्चे को उसकी मां से मिलाने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। सिंह के बेटे चरणजीत सिंह को पाकिस्तान में कैद कर लिया गया है। दोनों देशों में युद्ध का माहौल बना हुआ है। तारा सिंह निकल चुके हैं। अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर ने साल 2001 में रिलीज होकर सिनेमाघरों में हलचल मचा दी थी। आज भी फिल्म के डायलॉग्स और गाने खूब पॉपुलर हैं। और आपको बता दें कि निर्देशक अनिल शर्मा की गदर 2 को लेकर भी काफी ज्यादा बस क्रिएट हो रहा है, जिसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है और इस फिल्म को उत्तर प्रदेश और लखनऊ में शूट किया गया है। पर गदर 2 की शूटिंग जिला कारागार में भी हुई है। ये जेल बाराबंकी शहर में स्थित है। बताया जा रहा है कि यहाँ फिल्म की शूटिंग करने के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर और निर्देशक ने सरकार से पहले अनुमति दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गदर 2 की शूटिंग लगभग 80% पूरी हो गई है। वहीं बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग का अगला शेड्यूल जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि गदर 2 के तारा सिंह यानी कि एक्टर सनी देओल ने अपना पहला लुक भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, जिसमें उन्होंने फिर से 20 साल पुराने किरदार को निभाने की खुशी जाहिर की थी। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि गदर 2 के अनाउंसमेंट के बाद से ही एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने भी एक फोटो शेयर की थी, जिसमें वो सनी देओल के साथ सकीना के किरदार में नजर आ रही थी। उनको एक बार फिर से वही पुराने स्टाइल में सलवार सूट पहने हुए देखा जा सकता है। गदर 2 को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। सभी एक बार फिर से तारा सिंह और सकीना की लव स्टोरी को देखना चाहते हैं। बता दें कि गदर 2 जल्द से जल्द रिलीज की जाएगी। खबरें हैं कि फिल्म को इस साल के एंड तक बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। अक्टूबर के महीने में फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली जाएगी और नवंबर तक इसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि गदर 2 की कहानी को लेकर खबरें हैं कि ये पाकिस्तान और भारत के बीच हो रहे वॉर को लेकर बनाई जाएगी, जहाँ पाकिस्तानी लोग यानी कि तारा सिंह के बेटे को गिरफ्तार कर लेंगे, उसे कैद में ले लेंगे और उसके बाद तारा सिंह पाकिस्तान जाकर अपने बेटे को बचाते हुए नजर आएंगे। फिल्म में आपको भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। एक बार फिर से दमदार डायलॉग्स होंगे। सनी देओल की एक्टिंग का तड़का आपको बखूबी देखने को मिलेगा। फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि फिल्म गदर 2 को लेकर आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं।